पांच दिन का होता है, इंडिया दो से तीन दिन में टेस्ट मैच खत्म कर देता है। इंडिया लाइक जीता भी वन साइडेड है, हारता भी वन साइडेड है। इसे कहते हैं क्रिकेट खेलना यार। जिस तरीके से बुमराह ने आज बॉलिंग किया, लाइक सिराज कोशिश कर रहा था विकेट निकले, पर देखे ना पिछले मैच में अफ्रीका तैयारी करके आया था बुमराह की, सिराज विकेट से ले गया। आज उन्होंने कहा यार सिराज की तैयारी करते हैं, बुमराह विकेट छुड़ा गया। अनसीन पेपर आ गया उनके लिए, वाकई ये जनरल अनसीन पेपर हुआ है। तैयारी किसकी करते हैं, आ क्या जाता है यार। इंडिया तो लाइक मैजिशियन बोल रहे हैं। इंडिया ने ना मजाक किया इनके साथ, किए ज्यादती, एक होती है जिनसी ज्यादा, एक होती है मोरली ज्यादा, इन्होंने की है मोरली ज्यादा, ताकि भाई आइंदा समय साहब तो सिस्टम ही खत्म कर दिया कि टेस्ट मैच पांच दिन में खत्म हो। यार दो से तीन दिन के अंदर टेस्ट मैच कौन खत्म करता है? आप इंग्लैंड देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, न्यूजीलैंड देख लें, बेसबॉल क्रिकेट वहाँ पे चलती है, कहते तेज खेलो फिर भी पांच दिन का गेम चला जाता है। पर इंडिया ने कहा नहीं भी, हमारे पास ऐसे बॉलर्स हैं जो कि 55 भी आउट कर सकते हैं। मैं तो भैया आज के मैच के अंदर हैरान था कि ये जसप्रीत बुमराह करना क्या चाह रहा है। पहली इनिंग्स के अंदर आई गेस मोहम्मद सिराज ने सिक्सर मारा, लेकिन आज के सीरीज के मैच के अंदर जो आज इंडिया ने अपना नाम किया है, ना ही के किसी को जीता है ना जीतने दिया है। पहली इनिंग्स में देखें सिराज 6 विकेट्स और दूसरी इनिंग में देखें तो बुमराह ने 6 विकेट्स ले लिया। मतलब इंडिया ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी अंडर रोहित शर्मा की कैप्टनशिप, और 28 साल के बाद एक जगह जहाँ आपका रिकॉर्ड नहीं बन पा रहा, आप नहीं जीत पा रहे उस कंट्री की कंडीशन में जाकर, ले उस कंट्री की कंडीशन में रोहित शर्मा ने जितवा दिया मैच सीरीज, उनके लिए जीत ही है। मैं कहता हूं जिस तरीके से इंडिया ने साउथ अफ्रीका का हाल कर दिया ना, इंडियन बॉलर तो साउथ अफ्रीका के ख्वाब में आएंगे। वो कहेंगे यार ये क्या, हमें तो शामी और ये शुक्र मनाए कि शामी नहीं खेल रहा था। जस्ट इमेजिन शामी सिराज और बुमराह एक ही टीम से खेल रहे हो, क्या हाल करेंगे ये इन लोगों का। ये तो लाइक कहते हैं ना घर घुस के हराना, इसे कहते हैं घर घुस के हराना। साउथ अफ्रीका का दूसरे टेस्ट मैच में मैं कहता हूं घंटा बजाया ना उनका, उसमें पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर क्या बात कर रहे हैं। शुएब अख्तर ने बड़ी अच्छी बात कर दिया इंडिया के फास्ट बॉलर को लेके, और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर को लेके शुएब अख्तर ने ये समझ लो कि आपने दूध का दूध और पानी का पानी निकाल दिया ना, कि कौन से भी 150 वाले हैं और कौन से सिर्फ और सिर्फ नाम के जो है वो आपने बॉलर बनाए हुए हैं और कौन से आपको परफॉर्म करके दिखाते हैं, ये शुएब अख्तर ने आज बता दिया। देखो टीम इंडिया, शुएब अख्तर ने बात किया कि ये टीम इंडिया जब भी हारती है ना, ये उससे अगला मैच उसी तरह जीतती है जिस तरह ये पिछला हारी होती है। लाइक आप ऑस्ट्रेलिया वाला वो 36 साल आउट देख लो, उसके बाद जो इंडिया ने कमबैक किया वो कैसा कमबैक था। लाइक ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर सीरीज ठोकना, बेटा ये टीमें ख्वाब देख, यकीन करो यार ये बात शुएब अख्तर ने भी की है। अफ्रीका ने इंडिया को उनके घर के अंदर उनको दो दिन के अंदर हरा के उनके फैंस के सामने उनके साथ बदला लिया, दिस इज कॉल्ड ट्रू रिवेंज। ये तो टू डे हो गया, पांच दिन का बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन ये टेस्ट मैच डेढ़ दिन में ही खत्म होके सब घरों को चले गए, टाटा बाय बाय गुड नाइट कर गए। ये रिवायत खत्म हो गई, वो पांच दिन वाली रिवायत खत्म ही हो गया ना कि जी पांच दिन के बाद टेस्ट ड्रॉ हो जाएगा। अब तो दूसरे दिन टेस्ट का रिजल्ट आ गया। जो मोहम्मद सिराज ने 6 विकेटें ली थी कल पहले ही सेशन में, पहले सेशन में 5 विकेटें लेना ये भी तो वन ऑफ अपनी तरह का एक रिकॉर्ड है। देखिए वो जो 5 विकेटें उन्होंने पंजा मारा, टोटल 6 विकेट्स ली, वहां पे साउथ अफ्रीका की जो गेम थी वो खत्म हो गई थी। वहां से वापसी के लिए देखें 55 पे अब आपकी पूरी टीम आउट हो जाए तो वहां से वापस आने के लिए आवाज भी आपको मिरेकल चाहिए होता है, मौजजा चाहिए होता है। ये बात कही थी लेकिन मौजजे रोज नहीं हुआ करते, मौजजे रोज नहीं हुआ करते। खत्म ओ साउथ अफ्रीका माफी मांग दी भाई, बुमराह माफ कर दो। अब इंडिया के मैच हम देखते तो हम मजा आता है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे यार। आज बुमराह ने मैं कहता हूँ किलियां तोड़ दी उनकी साउथ अफ्रीका की, और जो कल सिराज ने तोड़ी थी आज इसने भी मैं कहता हूँ किलियां तोड़ दी उनकी। का ये ना कि एक अच्छा बॉलर नहीं है, सारे अच्छे बॉलर है, जैसे बुमराह हो गया, अब सिराज अच्छा कर रहा है, लेकिन उनका ये वो कॉन्फिडेंस देते हैं अपने, आप देख लें स्लिप में खड़े होते हैं विराट कोहली या जो भी, वो कॉन्फिडेंस दे रहे होते हैं उन्हें। देखिए पहले तो श्रीलंका मांगती थी माफिया इंडिया चले जाओ, अब तो साउथ अफ्रीका उनके अंदर, लेकिन इस बार उन लोगों ने हिस्ट्री क्रिएट किया 28 साल के बाद। पिछले मैच के अंदर साउथ अफ्रीका वाली तैयारी करके आए थे बुमराह की, सिराज 6 विकेट ले गया, उन्होंने कहा यार सिराज की तैयारी करके जाती बुमराह तो विकेट ले नहीं रहा, आज बुमराह 6 विकेट ले गया। यार मुझे लगता है कि इंडिया वालों ने बारियां लगाई हुई, आज 6 विकेट तुमने ले, 6 मैंने ले। देखें आप पहली इनिंग में 55 पे ऑल आउट कर दिया और सिराज की 6 विकेटें थी, और सेकेंड इनिंग में तकरीबन 150 प्लस अराउंड में ऑलआउट हो गया, जबकि ये है टेस्ट 5 डेज के होते हैं, जबकि ख़त्म कर दिए उन्होंने 2 डेज। मैं पीसीबी का चेयरमैन हूँ ना, मैं इंडिया से ना तरले लेके बुमराह मांग लूँ,
ऐसे ही आप कह रहे हैं। मुझे पूरा मुल्क बेच के उस बंदे को लाना ना पड़े, मैं बुमराह को पाकिस्तान ले हूं, जिस तरह का वो बॉलर है, मीडियम फास्ट बॉलर, 5 से 6 कदम के ऊपर खड़ा होकर इतनी बड़ी स्पिन करना। और ये रोहित शर्मा और विराट कोहली ना कहाँ करेंगे यार, देखो हमने अपनी रिटायरमेंट से पहले जाके भाई अपने के घर जाके हराए थे, कहना ना कि हमने नहीं हराया। साउथ अफ्रीका को इंडिया ने जो है वो शिकस्त दी है, और साउथ अफ्रीका को इंडिया ने क्या कमाल किस्म की शिकस्त दी, और क्या कमाल किस्म का टेस्ट मैच हुआ है। मैं तो भाई हमेशा ये बात करता हूं कि मैं ऐसे टेस्ट मैच का बड़ा फैन हूं कि जहां पर विकेट्स जो है वो बड़ी जल्दी गिर रही हो, बार बार विकेट्स गिर रही हो, लेकिन यही जब टेस्ट मैच इंडिया में हो रहा होता है तो आप देखते हैं कि गोरों की मुनाफ़कत जो है वो सर चढ़कर बोलती है। गोरे बड़ा इसके ऊपर जो ट्वीट, कभी माइकल वॉन आ जाएंगे, कभी फलाने आ जाएंगे, ये कैसी पिच बना दी, ये फलानी पिच बना दी, ये टिंगानी पिच बना दी, लेकिन आज पिच के ऊपर कोई नहीं बोलेगा। आज सारों के मुंह पर लगेंगी जंजीरें, सबके मुंह पर लगेंगे ताले, अब भी बोलो ना, अब भी भोंको ना कि यार ये कैसी पिच बनी हुई है, ये कैसी पिच जो है वो साउथ अफ्रीका ने बनाई है, कितने दिन में मैच खत्म हो गया। मैं तो पर्सनली चाहता हूं कि ऐसी पिचेस हो जहां पर बैट्समैन के लिए बहुत कुछ हो, मुश्किलात हो, और बॉलर्स के लिए बहुत ही कुछ होना चाहिए ताकि आपको टेस्ट मैच में बॉल टू बॉल देखने का मजा आए। ये मेरे ख्याल में ये कुछ शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच होगा जो पिछले कुछ 4-5 सालों में कम खत्म हुआ। तारीख का सबसे शॉर्टेस्ट मैच है। वही मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा इतना शॉर्टेस्ट मैच। ये तारीख का सबसे छोटा तरीन टेस्ट मैच हुआ। कहां से कमबैक करना, कहां से वापस आना, हमारी टीम होती तो पहले 3 दिन में आ रही है, अगली बार 1.5 दिन में हार जाती, हौसले छोड़ देती, हिम्मत हार देती, हार मान जाती है, वैसे ही हारी हुई होती है, फिर से हार मान जाती, डबल हार मान जाती। बट यह टीम इंडिया है, उन्होंने मैदान छोड़ा नहीं है, उन्होंने बोला आओ दूसरा टेस्ट मैच है, हम अपना बदला लेंगे, हम तुम लोगों की बैंड बजा के रखेंगे। वही काम किया, पहले किया सिराज ने, फिर किया बुमराह ने। बुमराह सिराज तो बड़े प्लेयर हैं, कमाल किया ही किया, बट जो जासवाल का इंटेंट नजर आया, पैसा तो उसने वसूल किया, मजा तो मुझे जासवाल के इंटेंट का आया। एक हमारे यंगस्टर हैं, कैच भी छोड़ते हैं, 0 पे आउट भी होते हैं, एक इंडिया के यंगस्टर हैं, डेब्यू पे 100 भी मारते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं, साउथ अफ्रीका जाके भी इस तरह की कमाल की परफॉर्मेंस दिखाते हैं, यार मजा आ गया यार। ये इंडिया की मोटिवेशन है, ये इंडिया का जज्बा है।